अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, टुडे द टॉपिक ऑफ आर डिस्कशन इज़ द लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज एन एजुकेटेड पीस मेकर एंड मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, दैट इज़ द प्रॉफिट द लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ रोल मॉडल। ये इसकी बेसिक हेडिंग है सिलेबस में, उसके अंडर ये सब हेडिंग्स दी गई है, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज एन एजुकेटेड पीस मेकर एंड एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट। सो द लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज़ अ गाइडेंस फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। आज तक जितने भी लोग आए हैं उन सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ एक रोल मॉडल है, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स बट फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, गाइडेड फॉर द माइनर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें उन चीज़ों के बारे में भी रहनुमाई मिलती है जो कि हम अपनी लाइफ में कंसिडर करते हैं कि ये बहुत माइनर सी चीज़ें हैं। कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में बताया गया है, यू हैव द बेस्ट रोल मॉडल इन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, दैट इज़ सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21। जब ये टॉपिक हमें एज एन एजुकेटर, एज ए पीस मेकर या एज ए मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट आएगा तो सबसे पहले हम इसमें सीरा की बात करेंगे कि बट इस सीरा एक्चुअली इज़, और फिर उसके बारे में हम अपने स्पेसिफिक टॉपिक के बाद स्पेसिफिक टॉपिक के की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। वट इज़ सीरा? एन अरेबिक वर्ड हैज़ रूट इज दैट हैज़ अ रूट सारा विच मीन्स टू सेट आउट फॉर अ जर्नी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि सीरा इज़ अ लर्निंग ऑफ अ पर्सन लाइफ फ्रॉम हिज बर्थ टू डेथ इंक्लूडिंग ऑल द लाइफ इवेंट्स एंड हिज डीलिंग्स विद दोज इवेंट्स। एक इंसान की, जब हम किसी की सीरा पढ़ते हैं तो वो है कि एक इंसान की बर्थ से लेके उसकी डेथ तक और उसके दरमियान जितने भी लाइफ इवेंट्स हुए उसने उसको किस तरह से डील किया और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज आए, उन सब के बारे में पढ़ना सीरा होती है। और इसका लिटरल मीनिंग क्या है, लर्निंग अबाउट द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, इट इज़ सीरा, ओके। अब आज सल्लम की लाइफ को हम दो डिवीजन्स में कर लेते हैं ताकि हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाए। एक कर लेते हैं हम बिफोर प्रॉफिट, जिसमें वो जाने जाते थे एज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये टाइम पीरियड है 40 साल का। उसके बाद है आफ्टर प्रॉफिट, जिसमें वो जाने जाते थे एज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, मतलब अल्लाह ताला के रसूल, दैट इज़ ऑफ 23 ईयर्स। ये 23 ईयर्स आप सल्लम ने, इसमें से 13 साल इन आप सल्लम की मक्की लाइफ थी और 10 साल आप सल्लम की मदनी लाइफ थी, ओके। तो अब हम इसके फर्स्ट सब टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, दैट इज़ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज एन एजुकेटर। इस्लाम्स एम्फेसाइज ऑन एजुकेशन इज़ ह्यूज, ये हमें पता है कि इस्लाम एम्फेसाइज करता है एजुकेशन की तरफ। इस्लाम कहता है कि मुसलमानों को एजुकेटेड होना चाहिए, वो सिर्फ एजुकेशन सिर्फ थियोलॉजी तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए बल्कि हर किस्म की बेनिफिशियल नॉलेज मुसलमानों के पास होनी चाहिए, इंसानों के पास इनफेक्ट होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफ़िकली मुसलमानों का जिक्र, अल्लाह ताला ने स्पेसिफ़िकली मुसलमानों का नहीं कहा बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में अल्लाह ताला ने पूरी ह्यूमैनिटी को एड्रेस करते हुए कहा है कि उनके पास इस्लाम के अलावा, थियोलॉजी के अलावा दूसरी साइंसेस, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी जितनी भी बेनिफिशियल नॉलेज है वो सब होनी चाहिए ताकि इस्लाम ताकि इंसान जैसे जैसे दुनिया डिवेलप होती है वैसे वैसे डिवेलप करे, ग्रो करे, मॉडर्नाइज करे। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्प्रेड नॉलेज अबाउट लाइफ मैटर्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइफ मैटर्स के मुतालिक लोगों को एजुकेट किया। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, यू नो, कोई भी डिग्री हासिल करते हैं, बेशक वो इंजीनियरिंग हो, फूड से रिलेटेड हो या मैकेनिक से रिलेटेड हो, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हो, उसका बेसिक जो उसकी बेसिक आप कह सकते हैं बेसिक पर्पज़ होता है वो ये होता है कि हम उसे अपनी पर्सनैलिटी डिवेलप करें, अपना इंटेलेक्ट बढ़ाएं, अपना विजडम बढ़ाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी स्पेसिफिक नीच के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एजुकेट नहीं करते थे लोगों को, बल्कि वो लाइफ मैटर्स के ऊपर आप लोगों को एजुकेट करते थे। इसके बारे में एक आयत है कुरान की, वो हम देख लेते हैं। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिसाइट्स द वर्सेस ऑफ होली कुरान टू द पीपल, प्योरीफाइज द पीपल, एजुकेट द पीपल अबाउट द होली बुक एंड हिकमा। इसका रेफरेंस आप देख लीजिएगा प्लीज़। उसके बाद है सोर्स ऑफ नॉलेज क्या थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोर्स ऑफ नॉलेज डिवाइनली थी, ऑब्वियसली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरानिक रेवलेशन आती थी उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते थे और सहाबा उनको देखते थे इंप्लीमेंट होते हुए और फिर वो उनको इस तरह ही चेंज चलती थी, सहाबा इकराम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते थे और वो चेंज चलती आ रही है और हम लोग अब अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। और अगर हमें कहीं पे कोई एम्बिग्विटी आ जाती है तो फिर हम उसको कुरान से वेरीफाई कर लेते हैं। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नॉलेज डिसिमिनेट करते थे उसकी सोर्स क्या थी, डिवाइन थी, कुरानिक सोर्स थी। उसके बाद है अल्लाह हैज़ एजुकेटेड मी ब्यूटीफुली, अल्लाह हैज़ टॉट मी द मैनर्स एंड वेरी ब्यूटीफुल मैनर्स। ये हदीस है, इसका भी आपने रेफरेंस देख लेना है कि ये कहाँ से ली गई है। उसके बाद है मैनर्स आर द रियल नॉलेज नॉट द डिग्रीज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनर्स लोगों को ट्रांसफ़र करते थे, मतलब लोगों को सिखाते थे, लोगों को उसके बारे में गाइड करते थे, जो कि मैनर्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान से सीखे थे वही लोगों को आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रांसफ़र करते थे। और मैनर्स ही बेसिक एजुकेशन होती है ना कि डिग्रीज, ठीक है।
इसके बारे में हम हमारे पास एक वाक्य आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपनी किसी जर्नी पे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में एक चरवाहा देखा, वो अपनी बकरियों के साथ जा रहा था, चल रहा, यू कैन कॉल इट शेफर्ड अगर आपकी इंग्लिश में इस्लामिक स्टडीज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का, ऑब्वियसली वो बकरियों के साथ जा रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप उससे रिक्वेस्ट की कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे तो वो बकरी का दूध पी सकें ताकि उनकी प्यास मिट जाए। लेकिन उस जो चरवाहा था उसने कहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त नहीं दे सकता क्योंकि ये जो बकरी है ये उसकी नहीं है, ये उसकी मालिक की है, तो इसलिए ये उसके पास अमानत है, वो इसका जवाब दे होगा तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका दूध नहीं पीने की इजाज़त दे सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस बात को एडमायर किया और कहा कि फिर मुझे कोई इस तरह की बकरी दे दो जो कि दूध ना देती है। उसने कहा हाँ ये मैं कर सकता हूँ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी दे दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर से दूध निकाला तो निकल आया, दैट इज़ ऑब्वियसली मिराकल। तो वो जो चरवाहा था वो इससे बहुत इम्प्रेस हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी दूध पिया और उस चरवाहे को भी दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। वो जो चरवाहा था वो थे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला। वो शाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि वो जो आपके पास नॉलेज है उसको वो जो मौजज़ा था उसको अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, उन्होंने उसको मैजिक कंसीडर किया और कहा कि वो जो मैजिक है वो मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे स्माइल की कि वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि वो तो मौजज़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वेलकम किया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत में रहे और वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गाइडलाइंस लेते रहते थे। और ये बात आपको पता होगी कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट नॉन स्कॉलर ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, उनकी गाइडेंस में रहे। तो हज़रत रज़ी अल्लाह तआला के बारे में कहा कि द बेस्ट डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत अबू बकर की खलीफेट में भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ही रिस्पॉन्सिबल होते थे कि वो डिसीजन मेकिंग करें। उसके बाद जो स्ट्रेटजीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ करते थे लोगों को एजुकेट करने के लिए वो थी इलस्ट्रेशंस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हाथ से कुछ लिखा नहीं था लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बातें इलस्ट्रेट करके बताते थे। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम डायग्राम्स बना लेते हैं तो सिराते मुस्तकीम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधी लाइन लगा के सहाबा को सिखाया कि सिराते मुस्तकीम क्या है और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफरेंट गाइडलाइंस के बारे में इलस्ट्रेट करते थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्वेश्चन आंसर सेशंस रखते थे मगरिब के टाइम और असर के टाइम और फजर के टाइम। उसके अलावा रिपीटिशन होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड्रेस में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दर्स दे देते तो उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें होती थी वो रिपीट करते थे ताकि पीपल विद लोअर आईक्यू भी उसको एब्जॉर्ब कर सकें। उसके बाद एग्जाम्प्लीफाई करते थे चीज़ों को, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खातिम नबीयीन होने के बारे में बताया कि जैसे कि किसी ने बहुत ही प्यारा पैलेस बनाया और उसमें से एक ब्रिक खाली छोड़ी और लोग आके उसको एडमायर करते हैं और कहते हैं कि अगर ये ब्रिक पूरी हो जाए तो ये इसकी खूबसूरती में कोई कमी ना रहेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि वो जो आखिरी ईंट है वो मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो टाइप्स ऑफ नॉलेज हैं वो दो तरह की हैं, एक है बेनिफिशियल नॉलेज और एक है नॉन बेनिफिशियल नॉलेज। बेनिफिशियल नॉलेज कोई भी ऐसा नॉलेज जो कि प्रोवाइड्स गुड टू द पब्लिक एट लार्ज, तो हमारे पास बेनिफिशियल नॉलेज आता है। इसमें साइंस है, मैथ्स है, एस्ट्रोनॉमी है, जो भी हम लर्न करें और हमारे नॉलेज में इजाफा करें और वो हमें डिवेलप करें तो वो बेनिफिशियल नॉलेज है। एंड कुरान इज़ अ फाउंटेन हेड ऑफ एवरी बेनिफिशियल नॉलेज। कुरान से ही मैथ्स निकला है, कुरान से ही बायोलॉजी निकली है, कुरान से ही एस्ट्रोनॉमी निकली है, इन सब का जिक्र कुरान में है। उसके अलावा जी नॉन बेनिफिशियल नॉलेज में क्या आता है, हमारे पास मैजिक आता है, दैट इज़ काला जादू। ऑब्वियसली इट एग्जिट्स, लेकिन जो भी होता है वो ये भी कहा गया है कि जो भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से ही होता है। इसके बारे में प्रिकॉशंस लेने के बारे में भी कहा गया है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ अल्लाह आई सीक योर रिफ्यूज फ्रॉम नॉलेज दैट इज़ नॉन बेनिफिशियल फॉर मी, ये एक हदीस है। उसके बाद हम रेफरेंसेस देख लेते हैं क्या है। दोज हु हैव नॉलेज एंड दोज हु डोंट आर दे इक्वल, इट्स सूरह ज़ुमर आयत नंबर 9। उसके बाद है इट इज़ कंपल्शन फॉर एवरी मैन एंड वुमन टू सीक नॉलेज, इट्स सुनन इब्ने माजा। द पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर गेनिंग नॉलेज ही इज़ ऑन हिज वे टू पैराडाइज, इट्स सही मुस्लिम। उसके बाद है सेकेंड सब टॉपिक है प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ पीस मेकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे एज अ पीस मेकर किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया, पहले हम देख लेते हैं बिफोर प्रॉफिटहुड क्या सिचुएशन थी। बिफोर प्रॉफिटहुड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के रिहायशी थे, वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादी के नमीन के लाए जाते थे। साथ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें लिखवाने आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर द कस्टोडियंस। और उसके बाद जो है ना, जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रेवलेशन आई
तो लोगों की एट्रॉसिटी स्टार्ट हो गई, लोगों ने उसको कबूल नहीं किया कि आसर असलम के अल्लाह ताला के नबी हैं, उन्होंने कहा कि आसर असलम झूठ बोले, हालांकि ऐसा नहीं था। आफ्टर प्रॉफिटहुड आसर असलम ने सबसे पहले एड्रेस किया सफ़ा के माउंटेन पे जाके, आसर असलम ने लोगों को, मक्का के लोगों को एड्रेस किया और कहा कि अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि इस पहाड़ के पिछली साइड से तुम लोगों की तरफ एक काफिला आ रहा है जो तुम लोगों पर अटैक करने वाला है, तो तुम लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा इसके बारे में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों ने कहा कि ऑब्वियसली आप सादिक और अमीन हैं, आप झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपकी बात पे यकीन कर लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर मेरी बात पे यकीन कर लें, मैं अल्लाह ताला का आखिरी नबी हूँ और मुझ पर कुरान नाजिल हुआ है। लेकिन किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन नहीं किया। उस टाइम तक देयर वॉज़ नो कंसेप्ट ऑफ जिहाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने सहाबा इकराम थे उनको कहा कि होल्ड योर हैंड्स, इसी वजह से लोगों की एट्रोसिटीज़ बढ़ती जा रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू नो पीस का मुजाहिरा कर रहे थे वहाँ पे। तो जो कुछ पहले शहदा थे उनमें से हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहते हुए दार अरकम में रह के अपनी गाइडलाइंस लोगों तक पहुँचाते थे। उसके अलावा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ मूव किए तो वहाँ पर लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कैमल का वेस्ट और कंकड़ियाँ और स्टोनिंग की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यू नो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हुई थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एज अ डॉटर शी वॉज़ कंसर्न, वो कहती थी कि वो मौका कब आएगा कि आप यू नो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुछ सुकून की इस हवाले से कोई सुकून होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते थे कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा जब हर कैंप में हर खैमे में इस्लाम का बोलबाला होगा। उसके अलावा मदीना अकॉर्ड हुआ, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीस मेकिंग की एक एग्जांपल है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शिफ्ट हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहाँ के कुछ जुइश कबीले थे जिनमें से बनी नजफ, बनी औफ और बनी हारिस थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पीस अकॉर्ड किया ताकि मदीना की स्टेबिलिटी कायम रहे। उसके अलावा हुदैबिया अकॉर्ड हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जा रहे थे उमरे के लिए, वहाँ पर उन्हें रोका गया, वहाँ पर हुदैबिया अकॉर्ड हुआ और इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनकंडीशनली उनकी सारी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया मक्कंस की और इसको इस्लाम में कुरान में कंप्लीट विक्ट्री के नाम से रिकॉर्ड किया गया है। इट्स सूरह फतह। उसके बाद है कॉन्करेंस ऑफ मक्का, इट वाज़ द मोस्ट ह्यूमिलिएटेड कॉन्करेंस ऑफ द वर्ल्ड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी मक्का थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एट्रॉसिटीज़ की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया और आम माफ़ी का ऐलान किया। वॉर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरा है वो वॉर फॉर पीस का कंसेप्ट देती है। ठीक है, ओके। जन द थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक इज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो मिलिट्री कमांडर्स थे अरब में, वो उनका स्ट्रेटजिक वॉरफेयर नहीं होती थी, या तो वो ऑनर की बेस पे जंगे लड़ते थे या तो फिर वो लैंड यू नो कंज्यूम करने की बेस पे जंगे लड़ते थे, क्योंकि उनके बिगर गोल्स नहीं होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिगर स्ट्रेटजिक गोल्स लेके आए कि हमने जंगे किसी पर्पस के लिए लड़नी है, सिर्फ अपनी ऑनर प्रिजर्व करने के लिए, मतलब सिर्फ हमारी ऑनर को क्योंकि उन्होंने हिट किया तो इसलिए नहीं, बल्कि कोई बिगर पर्पज़ होना चाहिए हमारे जंग लड़ने के पीछे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसल्टेशन करके और फिर ही कोई मूव लेते थे ड्यूरिंग वॉर। डिफरेंट कंपेनियन से अपने कंसल्ट करते थे, इसमें मोस्टली हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजीज में थी प्रीएम्प्टिव रिटेलिएशन एंड टोटल डिफेंस। रिटेलिएशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल कत्ल के बदले कत्ल, आंख के बदले आंख वाला कंसेप्ट था इसमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूवेबल कार्स और कैटापुल्ट यूज़ की। उसके बाद है डेटरेंस का कंसेप्ट था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू नो डेटरेंस का अब मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन में भी कंसेप्ट है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त यूज़ करते थे। अब हम इसके बाद कुछ वॉर्स देख लेते हैं। बदर की वॉर हुई, दैट इज़ इकोनॉमिक ब्लॉकेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड का टैक्टिक यूज़ किया। उसके बाद बहुत इसलिए बदर का रिवेंज था, मक्का से लिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसके बाद है एहज़ाब, यानी जिसको हम गज़वा खंदक भी कहते हैं, इट वॉज़ फ्रॉम द ग्रेट अलाइज़ ऑफ मक्का, जो ग्रेट मक्का के ग्रेट अलाइज़ थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने का हुक्म दिया और फिर इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्टिकुलरली डिफेंसिव अप्रोच रखी थी, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी आर्मी से लड़ना मुश्किल था। उसके बाद है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, क्योंकि हुदैबिया अकॉर्ड को वॉयलेट किया गया था, तो इसके बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पे अटैक किया था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोल्डनेस को जाहिर करता है कि एज ए मिलिट्री कमांडर वो कितने बोल्ड थे, अपने यू नो ज़ुबान के पक्के थे। उसके बाद है स्ट्रेटजीज इन जनरल, जो इन सब से हमने स्ट्रेटजीज इनलिस्ट की हैं, कंक्लूड की हैं, वो ये हैं। एक तो डेटरेंस की स्ट्रेटजी है, डिफेंस की स्ट्रेटजी है, सरप्राइज अटैक्स करते थे। उसके अलावा एडवाइजरी काउंसिल थी उनकी, कंसल्टेशन जो कि हमने पढ़ा। उसके बाद बोल्डनेस है, जो कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में हमने देखा। उसके बाद है एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो देख लेते हैं। इट वॉज़ अ रूटीन
to torture the prophet of God and the most tortured of all is, and I am the most tortured of all, and I am, इसमें आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, and I am the most tortured of all. Okay, aspirants, that's all from the Prophet, peace be upon him, as a role model topic. I hope कि this has added value in your knowledge. और अगर आपको कोई और टॉपिक इस्लामिक स्टडीज के बारे में आप कंसीडर करते हैं कि मुझे उसके बारे में भी वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, aspirants, अल्लाह हाफिज़.